हाय गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल डूइंग, वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट। आज तुम लोग को एंजाइम्स ऐसे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि तुम लोग कभी वैसा। गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल डूइंग, कहाँ, सॉरी यार, ये दो दो बार चल। तुम लोग को एंजाइम्स ऐसे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि एक सेकंड गाइस, ये कहाँ बज गया। गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल डूइंग, कहाँ, सॉरी यार, ये दो दो बार चल। सॉरी गाइज, वो मेरे लैपटॉप में भी लगा पड़ा था। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ ठीक है, तो चलो आज हम लोग इंजाइम्स पढ़ते हैं। जो स्पेशल क्लास वाले होंगे उनको तो पता होगा कहानी, आज क्या मजा आने वाला है। ठीक है, तो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आज करने वाले हैं बायो मॉलिक्यूल्स का एंजाइम वाला पार्ट। उसके पहले का हमने कर लिया है, थोड़ा ऑडियो ग्लिच है बट तुम लोग मैनेज कर लोगे, समझदार हो। ठीक है, थोड़ा गरीब टीचर का ध्यान रख लो। ठीक है, नीट प्लस टेलीग्राम चैनल है जिसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो इसका पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। सेकेंडली गाइस, क्या है कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली लाइव क्लासेस मिलती है, प्लस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ठीक है, और आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से पढ़ते हो, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप इस प्लेटफॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है। मेरे भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे नीट 2021 और नीट 2022 के लिए लॉन्चेस हैं। कोर्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी पढ़ सकते हैं, आप अपने एडुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं। मतलब एक समझो एक चार कि भाई 40 प्लस टॉप एडुकेटर आपके पॉकेट में होगा। ठीक है, करना क्या आपको, आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप इंस्टॉल करना है, प्लस पे आना है। प्लस पे आओगे तुमको ये प्लान दिख रहा है, 1 महीने 3 महीने 6 महीने और 1 साल और 2 साल। ठीक है, 1 साल और 2 साल का प्लान सबसे कन्वीनियंट होता है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जो कि लगभग तुमको 2500 पर महीने का पड़ता है। अगर 1 साल का लोगे, अगर 2 साल का ले लिए तो 1500 पर महीने का पड़ता है, विच इज़ वेरी चीप। ठीक है, उस पर भी रेफरल कोड लगा दो आनंद। जैसे ये रेफरल कोड आनंद लगाओगे तुमको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप 27000 और 32400 में आप प्लस पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं एंजाइम्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स हमने ये कर लिया था, इसका पीडीएफ आज तुमको क्लास के बाद नीट प्लस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एंजाइम्स। हाँ जी, कल 10 PM मॉक टेस्ट है अनअकैडमी ऐप पे, है ना, 10 PM कल मॉक टेस्ट है अनअकैडमी ऐप पे, सबके सब आ जाना। ठीक है, चलो जिनको एंजाइम समझ में नहीं आया था अच्छे से सुबह वाली क्लास में, अभी आ जाएगा उनको बहुत अच्छे से डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम। छोटा सा क्लास है आज, उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स बेसिकली, मेरा मेजॉरिटी ऑफ जो एंजाइम्स होते हैं वो टर्शरी प्रोटीन होते हैं एंड इनके पास एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ जो एंजाइम्स है वो टर्शरी प्रोटीन होते हैं एंड उनके पास क्या होता है, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो भाई क्या काम करता है, तो एंजाइम बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कुछ काम नहीं। अगर मान लो कोई चीज है एंजाइम, तो एंजाइम एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ ये एक्टिवेशन एनर्जी, जो है उसको कम कर देता है, सिर्फ ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करने का काम करता है, बाकी कोई और काम ये नहीं करता, क्या यार ज्यादा बफर कर रहा है कि काम चल जाएगा, चलो यार मैनेज कर लो, क्या करो, कुछ स्टूडियो में मेरे इश्यू है, अभी एग्जाम का क्रूशियल टाइम है तो मैनेज कर लो। ठीक है, चलते हैं, अगर बहुत ज्यादा बफर करेगा तो, नहीं तो फिर अभी क्लास बंद करना पड़ेगा, कोई पॉइंट नहीं है ना, तो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग मैनेज कर लेंगे। अच्छा, सपना याद आ रही है तुम लोगों को। चलो चलिए चलिए, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो क्या कर रहा है भाई, तो एंजाइम कैटलाइजिंग कैसे कर रहा है, एंजाइम का कैटलिसिस क्या काम कर रहा है भाई, तो एंजाइम मेरा जो है एंड एंजाइम लाइक
एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, लाइक बिल्कुल ठीक. When you look at the tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself, और ये क्रिस क्रॉस करके छेद या गड्ढा बनाता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं. मतलब अगर मान लो ये ऐसे गया, यहाँ कहीं ऐसे क्रॉस किया, यहाँ कहीं ऐसे क्रॉस किया, तो जहाँ पे ये इंटर क्रॉस कर रहा है वहां पे ये एक्टिव साइट या ग्रूव बना रहा है जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है. ठीक है, तो एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ सर्विस पॉकेट इनटू व्हिच अ सबस्ट्रेट फिट्स. सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ यहीं पे फिट कर जाता है. ठीक है, इस रीजन में सबस्ट्रेट फिट कर जाता है. ठीक है, दस इंजाइम थ्रू दिस एक्टिव साइट कैटलाइजेस रिएक्शन एट अ हाई रेट. है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहां पे बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे बढ़ जाता है. ठीक है, बस इतना डिफरेंस है कि यहां पे क्या है कि हाई टेम्परेचर पे जाते ही इसका स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाता है. अब यही बात कर रहे थे कि कल को तुमको बुखार होता है, देखोगे ना, बुखार होता है तो क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है, खाना अच्छा से पचने नहीं लगता. क्यों भाई? तुम्हारे बॉडी का जो एंजाइम है वो डीनेचर करने लगता है, राइट? तो इसलिए तुम्हारा खाना अच्छे से नहीं पचता. तो ये यहां पर होता है. ठीक है, कुछ जगह पे या कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे रहते हैं. जैसे हम लोग को याद है बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, जो हॉट थर्मल वेट में रहते थे, तो उनका एंजाइम्स उसमें अडैप्ट कर लेता है और वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है. ठीक है, बट नॉर्मल कंडीशन में जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाता है क्योंकि एंजाइम डीनेचर करने लगता है. ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन, मान लो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है क्या है, तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम कर रहा है, बेरियम सल्फेट और वाटर बना रहा है. ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे डबल सब्स्टिट्यूशन है, ये इससे. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, नया बॉन्ड भी बन रहा है, पुराना बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, इसको हम एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं. इस केमिकल रिएक्शन का हम स्पीड बढ़ा सकते हैं बाय एक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम. ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट बाय टाइम. जितना टाइम में प्रोडक्ट बन रहा है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है. बिल्कुल सिंपल सा चीज है ना, कोई भी सामान जितना जल्दी बन रहा है वो उसका रेट हो गया. तो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, जितना एंड प्रोडक्ट बन रहा है और जिस टाइम में बन रहा है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है. इसी रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम्स बढ़ा देता है और इसमें कुछ टाइम पास है, इसमें और कुछ है नहीं. ठीक है, तो ये केमिकल प्रोसेस कैसे, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर. और यहां पे एक लाइन लिखा है कि अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन ईदर डायरेक्शन. मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, अगर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा हाफ हो जाएगा. तो ये चीज आपको याद रखना है. ठीक है, कैटलाइज रिएक्शन ज्यादा जल्दी काम करता है एज कंपेयर टू अनकैटलाइज रिएक्शन. जो यही पे मेरा होता है, क्या होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड बनाता है. और ये कहां होता है, ये ज्यादा क्वांटिटी में आरबीसी में होता है, प्लाज्मा में नहीं होता, प्लाज्मा में बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बिकॉज कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा, राइट? तो ये क्या है, ये मेरा कहां पे हो रहा है, ये मेरा कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी में ज्यादा अच्छे तरीके से होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा, बिकॉज इट हैज एन एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस विच इज एब्सेंट इन प्लाज्मा. ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम ये रिएक्शन क्या हो जाता है, ये रिएक्शन इज वेरी स्लो जो प्लाज्मा में होता है. ठीक है, बट अगर एंजाइमेटिक एक्शन बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये 600,000 मॉलिक्यूल बना देता है सिर्फ 10 मिलियन टाइम में. इसका पावर बढ़ गया. ठीक है, 10 मिलियन टाइम में 200 मॉलिक्यूल से ये
6 लाख मॉलिक्यूल बनाने लगा इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाता है। सेम कोज यहां पे दूसरा एग्जांपल, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल होगा जिसके केसेस में हम ये देख रहे हैं। तो इन सारे केसेस में हमको कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होता है। मेरा बॉडी कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंजाइम का यूटिलाइजेशन करता है, क्योंकि क्या होगा, सपोज मान लो रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट में हम 36 एटीपी बनाए, बट अगर मेरे पास एंजाइम ही नहीं होता, तो इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर लग जा रहा था हमको वो रिएक्शन करने में, तो क्या ही पॉइंट है। ये तो वही वाला हो गया ना कि जितने का काम नहीं हुआ उतने का बिल फट गया, राइट। तो ये वाला यहां पे सीन है। तो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एंजाइम्स मेरे बॉडी में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एंजाइम मेरे प्रेजेंट में होंगे ही होंगे, राइट। बहुत अच्छी बात, तो ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। ईस्ट में भी सेम फर्मेंटेशन में तुम्हारा क्या होता है भाई, सेम पाथवे लीड्स टू प्रोडक्ट्स टू इथेनॉल, ठीक है। इन डिफरेंट कंडीशन अंडर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है और इस सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में इनर्जी लिबरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इनर्जी बचा रहे हैं। इनर्जी कैसे बचा रहे हैं? एंजाइम का यूटिलाइजेशन करके एक्टिवेशन एनर्जी कम करा रहा है इस रिएक्शन में, तो हमको एंड प्रोडक्ट में अच्छा खासा अमाउंट में एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। कैसे काम करता है भाई? तो काम कैसे करता है, तो दो थ्योरी आपको पढ़ना है। एक को हम कहते हैं इंड्यूस फिट थ्योरी, बिल्कुल लेमैन अनपढ़ आदमी के भाषा में हम समझाएंगे। एक को हम कहते हैं इंड्यूस फिट थ्योरी और एक को हम कहते हैं लॉक एंड की वाला, ठीक है। तो देखो दो थ्योरी है। सपोज मान लो एक बेसिक सा एग्जांपल समझो, उसके बाद कुछ कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। ये मेरा एंजाइम है, ठीक है। ये इसका एक्टिव साइट है, ठीक है। अब इस एंजाइम को कोई हॉट सी लड़की मान लो, कौन हॉट सी लड़की बनेगी? तुलसी प्लस वाली ये बच्ची है ना, तो तुलसी नहीं, सपना नहीं है, आज अब सपना को मजा बर्बाद नहीं है, इस बार तुलसी बनेगी, ठीक है। तो ये लड़की तुलसी हो गई, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। प्लस वाले बच्चे तो होंगे, उनको पता होगा ये वाला, ठीक है, बट कोई नहीं, तुम लोग के लिए भी है, ठीक है। अब सपोज मान लो ये कहानी है, ठीक है, ये तुलसी है, तुलसी इज अ वेरी क्यूट एंजाइम, ठीक है। अब तुलसी बेचारी थोड़ी थोड़ी डेस्परेट भी है, तो ये अपना जुगाड़ ढूंढ रही है कि कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब यहां पे मान लो कोई लड़का है, बेटा दिल पे नहीं लेना कोई भी, ठीक है, किडनी पे ले लेना। लड़का किस कोई लड़का दिख नहीं रहा भाई, कौन है? देव, चलो पकड़ लेते हैं, देव कैक्टस बोल रहा है, चलो दूसरा लड़का जो है देव है, ठीक है। अच्छा क्या है भाई, तो यहां पे ये देव है। अब मान लो कि देव ये, मान लो ये लड़का है दूसरा, ठीक है, ये मेरा सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब मान लो कि ये दोनों भाई मेड फॉर ईच अदर हैं, बहुत एडजस्ट नहीं करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, ठीक है। आइडियल सिचुएशन में एक नजर में प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट हुआ, काम चल गया, दोनों का सब्स्टेट हो गया, तो मतलब ये क्या हुआ, ये इस दोनों आपस में इसके एक्टिव साइट में जाके चिपक गया। क्या हुआ भाई, इसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट विदाउट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। देखो कितना प्यार मोहब्बत का बात बता रहे हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइज, बहुत अच्छी बात है। यहां हो गया, ये दोनों बाइंड कर गया एक्टिव साइट के साथ, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, ये वाला थ्योरी क्या होगा, ये वाला मेरा लॉक इन की हाइपोथेसिस हो गया ना, बाइंड कर गया, जुट गया, है ना। तो ये वाला मेरा हो जाएगा लॉक इन की हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर मान लो कंडीशन टू, ये है मेरा कंडीशन वन, अगर मान लो कि दूसरा कंडीशन होता है, कंडीशन टू, क्या है भाई कंडीशन टू में क्या हुआ कि तुलसी अब बेचारी अब
घर बसाना ही है, कोई ना कोई मेहनत तब क्या करेगा, कौन दूसरा लड़का खोजेगा। तो चलो इसी के साथ मैनेज कर लेते हैं, इसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी चलाना पड़ता है, जो 90% केसेस में होता है। तो सोचा गया कि हम इसी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, हम इसी के साथ एडजस्ट कर लिए। तो क्या हुआ भाई, तो ये मान लो ये एंजाइम है, तो अब ये वाला एंजाइम जो है ये क्या करेगी भाई कि चलो ठीक है भाई, हम अपना एक्टिव साइट को इसी तरह से अपना स्टैंडर्ड गिरा लेते हैं, ठीक है। ये क्या एंजाइम क्या किया, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा गिरा लिया और सबस्ट्रेट के हिसाब से अपना शेप एक्टिव साइट का चेंज कर लिया। तो ये क्या किया, कंडीशन टू में क्या हुआ भाई कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कंडीशन टू में क्या हो गया, ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज किया तो क्या हुआ भाई, इसको हम कौन सा थ्योरी कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। अच्छा दुनिया में क्या होता है, लव एट फर्स्ट साइड होता है कि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस होता है, सब जुगाड़ में है ना। तो कौन सा वाला थ्योरी ज्यादा अच्छा है, कौन सा वाला थ्योरी एक्चुअल होता है रियलिटी के केस में, कौन सा वाला थ्योरी होगा ज्यादा, रियलिटी के केस में कौन सा वाला थ्योरी ज्यादा होगा, जल्दी बताओ भाई, वो रियलिटी के केस में कौन सा वाला थ्योरी ज्यादा होगा। कौन सा वाला थ्योरी ज्यादा होगा जल्दी बताओ, तुम लोग स्मार्ट हो। कंडीशन टू, सबके सब एकदम खेले खाए हैं, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, कंडीशन टू है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ये इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, तो इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि तुम लोग जिंदगी में अब कभी ये भूलोगे, भूलोगे क्या कमेंट करके बताओ, जिंदगी में कभी भूलोगे क्या ये। ओह लव एट फर्स्ट साइट, जो यहां पे अपना सोच रहा है कुछ तो चांस बन जाएगा, मेरा अपना इज्जत बचा रहा है, वेरी गुड। चलिए चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, एक और कहानी सुनाएंगे अभी। इनहिबिटर जो तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, कौन सा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, कौन सा नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, उस पर भी एक जबरदस्त कहानी सुनाने वाले हैं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब यही है कि सबस्ट्रेट जो मेरा है वो प्रोडक्ट के साथ बाइंड कर जाता है, सबस्ट्रेट जो मेरा है वो प्रोडक्ट के साथ बाइंड कर जाता है। अब इन दोनों का जुगाड़, इन दोनों का जो कार्यक्रम हो रहा है इससे मेरा सबस्ट्रेट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, इस सबस्ट्रेट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, बट इसमें मेरा कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है, इसमें मेरा कुछ एक्ट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है, कितना लग रहा है इसमें मेरा कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है। अब अगर किस केस में मान लेते, इस केस में अगर मान लो कि एक बिचौलिया डाल लेते हैं भाई कि जो जल्दी काम करा दे, वो मेरा एंजाइम काम करेगा। तो एंजाइम क्या करता है कि एंजाइम मेरा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, तो क्या बनाएगा भाई, तो इट विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनाए। इसके करने के कारण क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, मतलब इस रिएक्शन को करने में जितना एनर्जी लग रहा था वो कम लगा। सपोज मान लो कि हम किसी से दोस्ती करने जाते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो वो मुझे नहीं जानता तो बोले कि इतना क्रीपी सा आदमी है आ गया, ठीक है। कल को मान लो कि तुम हमको किसी से हम इंट्रोड्यूस करा देते हो कि सर जो है ना, सर डॉक्टर हैं, अब वो आदमी क्या होगा, शुरू से इज्जत देगा, तो उसको मोटिवेट या उसको अपने बात मनवाने में हमको ज्यादा एनर्जी नहीं लगा। तो यही काम एंजाइम करता है, बिचौलिया वाला काम, राइट, क्या करता है वो, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा तो क्या होगा, मान लो कि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इतना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा था, ये मान लो एक्स है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इतना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा था, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इतना एक्टिवेशन एनर्जी लग गया। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस विल बी एक्स माइनस वाई, इतना एक्टिवेशन एनर्जी बचा रहा है, ये हो गया डिफरेंस, जो एक्टिवेशन एनर्जी बचा रहा है। इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ था एम्स में, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए और मेरा जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, बस, ठीक है। तो यही काम किया, तो यही चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग पूरा पढ़ ही लिए,
तो क्या है भाई, एनसीईआरटी माता का एक बार रीडिंग मार लेते हैं। तो क्या, इट इज नॉट अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट कहां बाइंड किया, बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, ठीक है, एट गिवन क्लेफ्ट एंड पॉकेट, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट, ठीक है, और ये बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो अल्टर स्ट्रक्चर होगा और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा, इससे कोई और क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और इस स्टेट को ये जो बीच वाला स्टेट होता है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है इस बीच वाले स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो वही है यहां पे कि वाई एक्सिस तुम्हारा क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी या जितना एनर्जी लग रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस तुम्हारा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है, एक्स एक्सिस तुम्हारा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अगेन इसमें कुछ एनसीईआरटी में कुछ खास दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो एंजाइम यहां पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम यहां पे एक लाइन, एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग्स डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम एस फ्रॉम पी मोर इजी, बेसिकली यही काम कर रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे रहा है ताकि काम हो जाए, मतलब जैसे मैंने आपको तुमको बताया क्या इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि उसका काम जल्दी हो गया, ठीक है। तो यही काम एंजाइम करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, जैसे हमने बताया क्या एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मेरा बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और इससे मेरा बन गया एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द एंजाइम। तो क्या हुआ कि फर्स्टली सबस्ट्रेट बाइंड किया एक्टिव साइट पे, उसके बाद ये दोनों चिपक गया, ठीक है, ये दोनों चिपक गया, ऑल्टर शेप किया, यही जो इंड्यूस फिट हम लोग कह रहे थे, इंड्यूस फिट वाला जो हम कह रहे थे, जो कॉम्प्रोमाइज की बात किए थे, ठीक है। तो ये यहां पे इंड्यूस फिट के हिसाब से अपना शेप चेंज किया और इसके साथ बाइंड कर गया, ठीक है। नाउ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहां पे तुलसी क्या की, याद है तुलसी क्या की थी, इन दोनों का सेटिंग तो हो गया था, अब वो क्या करेगी धीरे धीरे, लड़की लोग का आदत होता है ना उसको मोल्ड करके रखते हैं इंसान को, है ना, तो वो धीरे धीरे मोल्ड करना शुरू करेगी, मतलब अपने हिसाब से उसको ढालेगी कि भाई पालतू हो जाए लड़का, ठीक है, तो वो काम करेगी यहां पे, तो यहां पे वो पालतूकरण कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट एकदम लौंडा तैयार हो गया मेरा कुछ काम करने के लिए, तो वो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया हाँ या नहीं, समझ में आया सबको हाँ या नहीं, जल्दी बताओ भाई। चल बहुत अच्छा, अभी तुमको होलो एंजाइम एपो एंजाइम सब बढ़िया समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो ना, सब समझा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला आते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कैसे कैसे कौन सा फैक्टर तुम्हारा एंजाइम एक्टिविटी को चेंज करता है। सबसे पहला है टेम्परेचर एंड पीएच, सबसे पहला है टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। क्या है, एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, क्या होता है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर कम है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर कम है तो एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, तो मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करेगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे ही काम करेगा, जिसके हिसाब से ये तुम्हारा ग्राफ हो जाता है, ये तुम्हारा पीएच के लिए है, ये तुम्हारा टेम्परेचर के लिए। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ रहा है, एक ऑप्टिमम टाइम के बाद फिर से ये घट जाएगा। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑप्टिमम पीएच पे बढ़ता और घटता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अब एक चीज समझो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स फिक्स होते हैं,
एक्टिव साइट जो है वो फिक्स होता है, वो फिक्स होता है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट जो है वो फिक्स होता है। तो अब एक चीज बताओ कि सपोज मान लो कोई, फिर वही एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर किसी का है भाई एक एक्टिव साइट है, ठीक है, तो मान लो एक लड़की है, तो भाई उसका एक्टिव साइट कितना होगा, एक एक्टिव साइट होगा जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर गया। तो कल को इससे ज्यादा कोई आ रहा है तो वो तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, कल को इससे ज्यादा कोई आ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं आएगा। तो मान लो कि एक एक्टिव साइट, मतलब मान लो एक एंजाइम है वो 10 सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है, तो जब तक हाइपोथेटिकली ठीक है, तो जब तक हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, जब तक हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, जब तक हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, जब तक इसका सारा एक्टिव साइट भर नहीं जाता। जब इसका सारा एक्टिव साइट भर जाएगा, तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा और इसको हम कहते हैं वी मैक्स, ठीक है। तो वी मैक्स इज द रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पे सबस्ट्रेट एड करने से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब ऑल इस एक्टिव साइट्स आर इंटवाइंड, सारे एक्टिव साइट अगर बाइंड कर गए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ये मैक्सिमम वेलोसिटी पे चला जाता है, ठीक है। एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं वी मैक्स बाय टू, जहां पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन आधा होता है, 50% वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन आधा होता है, उसको हम वी मैक्स बाय टू कहते हैं। एंड द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, व्हेन इट रीचेस वी मैक्स बाय टू इज कॉल्ड केएम या मिचेलीज कंसेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन रीचेस वी मैक्स बाय टू, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन रीचेस वी मैक्स कंसेंट्रेशन, इसको हम केएम कहते हैं या इसको हम मिचेलीज कांस्टेंट भी कहते हैं, राइट, बहुत अच्छी बात है, इसको हम मिचेलीज कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इस मिचेलीज कांस्टेंट का तुम्हारा कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में बहुत चेंज आता है, वो अभी हम बात करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। चलो अभी इस पर हम बात करेंगे, मिचेलीज कांस्टेंट वाले पे हम बात करेंगे। चल ठीक है, देखो क्या होता है। तो यही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे बात करते हैं और इनहिबिटर की बात करते हैं। अब इनहिबिटर समझने के लिए दो चीज तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। दो तरह का इनहिबिटर होता है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हैम्पर करता है। एक मेरा होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एक मेरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब भाई कौन वॉलंटियर करेगा अपना नाम आने के लिए, जल्दी आओ, जल्दी बताओ भाई, कौन वॉलंटियर करेगा अपना नाम लाने के लिए। रक्षित, लड़की चाहिए, कोई लड़की बताओ भाई जो वॉलंटियर करे। सिमरन, चलो सिमरन कर लेगी, हाँ तो चलो सिमरन और जय कर, चलो
चलो सिमरन और नंदन को कर लेते हैं, नंदन नाम भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखो सपोज मान लो ये इंजाइम है सिमरन है, ये इंजाइम सिमरन है, ठीक है, ये मान लो इंजाइम है, इस इंजाइम का नाम सिमरन है, क्या है सिमरन, ठीक, मूवी होता तो यहां पे राज आ जाता, सिमरन का काम खत्म हो जाता, ठीक है। अब ये सिमरन का कितना साइट है एक्टिव, ये वाला जो साइट है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, ये वाला जो साइट है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। सिमरन अपने मोहल्ला में खुशी जीव सुखी जीवन जी रही है, ठीक है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा भाई, तीन चार लड़का होगा जो इस पर लाइन मार रहा होगा, लड़का नंबर वन, लड़का नंबर टू, लड़का नंबर थ्री, लड़का नंबर फोर। बाइंड इसमें से कौन कर सकता है, बाइंड इसमें से एक ही कर सकता है, बाइंड इसमें से एक ही कर सकता है, ठीक है। तो अब भाई कौन वाला बाइंड करेगा, जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, मतलब जो सबसे हट्टा कट्टा है, हैंडसम सा होगा, वही बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये वाले को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब सेम एक्टिव साइट के लिए, अगर सेम एक्टिव साइट के लिए, सेम एक्टिव साइट के लिए अगर कंपीट कर रहा है तो क्या हुआ, इसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसको हम क्या कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, समझ में आया, इसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। ये तुम्हारा सेम एक्टिव साइट के लिए जो कंपीट कर रहा है वो क्या हो गया, वो मेरा हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कहानी में ट्विस्ट है, हर रोमांटिक मूवी में एक विलन भी होता है, तो ये हो गया लड़की के पापा, ये हो गया लड़की के पापा, ठीक है। अब भाई लड़की के पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पुलिस में हैं और बंदूक बंदूक लेके घूमते हैं, ठीक है, अब कोई लाइन मारेगा क्या इस पे, नहीं ना। तो यही चीज होता है, इसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब इसके पापा जिस साइट पे बाइंड करेंगे इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, इसके पापा जिस साइट पे बाइंड करेंगे इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, और इस एलोस्टेरिक साइट की वजह से एक्टिव साइट का शेप ही चेंज हो जाएगा, एक्टिव साइट का शेप ही चेंज हो जाएगा। तो चाहे कितना भी लड़का खड़ा कर दो, फौज ही खड़ा कर दो, किसी को हिम्मत नहीं होगा, यहां पे कोई बाइंडिंग नहीं होगा। इस तरह के इनहिबिटर को हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इस तरह के इनहिबिटर को हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इस तरह के इनहिबिटर को हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, समझ में आया, समझ में आया हाँ या नहीं, समझ में आया सबको हाँ या नहीं। वो जा सिमरन जा यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हैप्पी एंडिंग नहीं हो रहा, पापा बहुत खड़ू खड़ू से, पापा नहीं बोल रहे हैं जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन यहाँ जिंदगी ना जी पा रही है, ठीक है। तो यही आ गया कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब चलो सीरियस नोट पे कहानी समझते हैं, हाँ जी, अब सीरियस नोट पे कहानी समझते हैं, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, तो यही हो गया कॉम्पिटिटिव और यही हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अगर हम कहानी की बात करें, अगर हम कहानी की बात करें फिर से, तो मेरा स्क्रीन ले लें भाई, स्क्रीन वाइड स्क्रीन लो, हाँ ठीक है। अगर हम कहानी की बात करें फिर से तो क्या है भाई, एक चीज समझो, तो अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर हम ग्राफ बनाएं तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये मेरा वी मैक्स हो जाएगा, ये मेरा वी मैक्स बाय टू हो जाएगा और ये मेरा के एम हो जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में। अब यहां पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया, अब यहां पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया, तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होगा, शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, बट अल्टीमेटली जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता जाएगा। तो इसका वीमैक्स इतना हो गया, वीमैक्स बाय टू इतना हो गया, तो इसका वीमैक्स बाय टू का के एम कितना होगा, इसका वीमैक्स बाय टू का ये के एम वन हो गया, ये के एम टू हो गया, तो ये के एम टू। तो मतलब क्या हुआ कि इन प्रेजेंस ऑफ, लिखो इसी पे क्वेश्चन आता है, इसी पे क्वेश्चन आता है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हुआ, क्या हुआ, के एम का वैल्यू इंक्रीज किया, के एम का वैल्यू इंक्रीज किया और वी मैक्स सेम रह गया। बेटा इसको लिख लो, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसको लिख लो, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा क्योंकि ये शीट में ये सेव नहीं होगा, इसको लिख लीजिए और बना लीजिए, इस पे क्वेश्चन एक पक्का है,
ठीक है, इसको लिख लो और बना लो, इस पर एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, तो क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर केएम का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है बट वीमैक्स सेम रह रहा है। केएम का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है बट वीमैक्स सेम रह रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इस वाले पार्ट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। सेम केस देखते हैं अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें तो क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का सेम ग्राफ अगर हम बनाते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का अगर हम सेम ग्राफ बनाते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये हो गया इसका वीमैक्स। ठीक है, तो ये आ गया इसका वीमैक्स बाय 2, ये आ गया इसका वीमैक्स बाय 2। ठीक है, अब मान लो कि भाई अगर इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब क्या, किसी और साइट पे बाइंड कर गया अदर देन एक्टिव साइट और शेप चेंज कर दिया एक्टिव साइट का, मतलब कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओगे ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ भाई, तो अगर मान लो ये वीमैक्स है तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहां पे मेरा कहीं आ जाएगा वीमैक्स बाय 2, यहां पे कहीं आ जाएगा वीमैक्स बाय 2 और यहां पे मेरा आ जाएगा केएम। तो मतलब क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हुआ वीमैक्स कम हो गया, केएम सेम रह गया, वीमैक्स कम हो गया, केएम सेम रह गया, ठीक है। दोनों पॉइंट लिख लोगे, एक क्वेश्चन पक्का है, नीट का क्वेश्चन आउट हो गया, लो एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है बेटा, हाँ तुम एकदम अपने दिल खोल के कहो कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार तुम लोग लाइक नहीं किए हो इतना, कैसे चलेगा ऐसे काम भाई जल्दी 300 लाइक, जल्दी 300 लाइक बिना लेट किए। अभी बता रहे सक्सीनेट डिहाइड्रोजन समझा रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा था कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब चलो, ये कहानी इसमें बताया। अब देखो, यहां पे दो तरह का इनहिबिटर की बात की है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पे लाइन तुम लोग को कंफ्यूज करता है, क्या कंफ्यूज कर रहा है, तो व्हेन अ इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, बताए थे क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा है, ठीक है, और सेम एक्टिव साइट के लिए वो लड़ाई कर रहा है, तो उसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कह रहे थे। ठीक है तो क्या है कि द सबस्ट्रेट कैनॉट बाइंड एंड एज ए रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस। ठीक, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक, टर्म ध्यान से रखना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल्स द ल सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेलोनेट जो है वो सक्सिनेट को रिजेंबल करता है, सक्सिनिट डिहाइड्रोजिनेज को रिजेंबल नहीं करता, याद रखना, सबस्ट्रेट को रिजेंबल करेगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इस पे बहुत बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, कभी कभी टीचर्स भी गलती कर देते हैं, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का लाइन क्या है, इट क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। सबस्ट्रेट देख लेना बेटा, सबस्ट्रेट कौन है, सबस्ट्रेट सक्सिनेट है, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, तो मतलब कॉम्पिटिशन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और मेलोनेट में नहीं है, मेलोनेट तुम्हारा रिजेंबल कर रहा है सक्सिनेट के लिए, इस पे याद रखना। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है तुम्हारा साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन कैसा कैसा है, पहला
डिहाइड्रोजिनेज या सॉरी पहला डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे इजी है, तुमको बस याद रखना इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिहाइड्रोजिनेज हमको पता है कहीं से भी अगर निकाल रहे हैं जहां भी एनएडीएच बन रहा है कोई भी रिएक्शन है ना, पीजीएल से ढाप पीजीएल वाला वो सब डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, पीजीएल से पीजीए बन गया वो डिहाइड्रोजिनेज हो गया। तो यहाँ पे एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा ट्रांसफरेज, एक से लेके दूसरे को डाल दिया, मतलब फंक्शनल ग्रुप एक का था उससे उखाड़ा और दूसरे को डाल दिया, तो ये मेरा कैटलाइज। तो एंजाइम कैटलाइजिंग है ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप तुम्हारा दे दिया तो इसको हम ट्रांसफरेज कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको हम ट्रांसफरेज कहते हैं। याद रखना दिस ग्रुप इज अदर देन हाइड्रोजन, ये पॉइंट याद रखना, इट इज अदर देन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है तो फिर डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन है तो डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, अदर देन हाइड्रोजन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला हाइड्रोलाइजेस, हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेज में क्या हो गया भाई, हाइड्रोलेज में एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, किसी चीज का ब्रेकडाउन कर रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड, एथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो जो बॉन्ड तोड़ रहा है, सारे बॉन्ड जो तोड़ रहे हैं वो ब्रेकडाउन, हाइड्रोलिसिस जो कर रहा है वो हाइड्रोलेज हो गया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस जो कर रहा है वो हाइड्रोलिसिस हो गया। अभिषेक बेटा डांस करके दिखाएं क्या, बोरिंग हो गया। लाइजेस, लाइजेस क्या होता है, एंजाइम दैट कैटलाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहां पे लाइजेस, यहां पे इन दोनों को जोड़ा और इसके साथ इसको बाइंड कर दिया, तो इसको हम कहते हैं। तो अगर अगर डबल बॉन्ड को छोड़ के यहां पे, मतलब अगर ये सैचुरेटेड कंपाउंड था इसको अनसैचुरेटेड बना दिया तो इसको हम लाइजेस कहते हैं। ठीक है, बस इतना जान दो, सैचुरेटेड था अनसैचुरेटेड बना दिया तो लाइजेस कहते हैं। अगला आइसोमर, फंक्शनल चेंज कर दिया, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो यहां पे एंजाइम क्या लग गया, दोनों एक दूसरे का आइसोमर है तो एंजाइम लग जाएगा आइसोमरेज। और लास्ट लाइगेज, लाइगेज जो छोड़ के रखेगा उसको हम लाइगेज कहते हैं, जैसे एडेनिन थायमिन के साथ या कोई भी दो भी चीज डीएनए लाइगेज, कोई भी चीज एंजाइम जो जोड़ेगा उसको हम लाइगेज करेंगे, जैसे सीओ बॉन्ड, सीएस बॉन्ड, सीएन बॉन्ड, पीओ बॉन्ड, सारे बॉन्ड जो होते हैं वो लाइगेटिंग का काम करते हैं, इसको हम लाइगेज कहते हैं। ठीक है, चलो क्या समझ नहीं आया बेटा, बेटा एग्जांपल देखो, एग्जांपल आइसोमरेज का आएगा, तुम डिहाइड्रोजिनेज का कोई भी एग्जांपल ले लो ना, किसी पीजीएल वाला डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वाला यहां पे डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसफरेज किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफरेज कर रहा है तो एल्डोलेज कीटोलेज कुछ भी आ जाएगा, हाइड्रोलेज किसी का ब्रेकडाउन कर रहा है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में जो यूज हो गया है किसी का ही ब्रेकडाउन में आ गया। ठीक है, आइसोमरेज का हो गया, लाइजेज का हो गया, तो ऐसे एंजाइम्स तुम्हारे आएंगे नहीं, वैसे नाम नहीं आएगा, आज तक नहीं आया। ठीक है, पिछले 20 साल का इतिहास उठा कर देख लो, किसी एंजाइम का नाम नहीं आया। ठीक है, ना नोमेनक्लेचर आया, तो एंजाइम के बारे में आप निश्चित रहिए। आइसोमर का आ जाएगा तो आ जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, बाकी और किसी का नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहां से आएगा, या तो कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन यहां से आएगा, ये को फैक्टर वाले से क्वेश्चन आता है। ये जो पैराग्राफ है ये बहुत लोग को डसता है, तो इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। ध्यान से सुनो मेरी बात। चलो देखो देखो सुनो ध्यान से सुनो। अरे सब करा देंगे भाई, टेंशन रखो है ना, तुम लोग के चक्कर में बाल उड़ रहा है मेरा, टेंशन नहीं लो, तुम लोग टेंशन मत लो, सब करा देंगे। तुम अपना काम करो, क्या कराना है हमको, वो हम सब 12th पूरा कंप्लीट करा दिए ना भाई, 11th भी पूरा कंप्लीट करा देंगे। कोई है दूसरा YouTube चैनल जहां पे पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया गया है, सिर्फ YouTube पे कोई और दूसरा चैनल है क्या बता दो, जहां पे सिस्टमैटिक तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। चलो आ जाओ, 11th भी हो जाएगा कंप्लीट, लोड नहीं लो। ह्यूमन फिजियो कराई दिए, सेल बायो कराई दिए, ठीक है, अब हम प्लांट फिजियो कराएंगे, फिर एनिमल टिश्यू, कितना हो गया, 7-5-13 चैप्टर है, 13 दिन का काम है मेरा, कौन सा लोड ले रहे हो भाई, 15 अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस खत्म। ठीक है, 15 दिन रिवाइज करना और एग्जाम में फोड़ के आना, बस लोड नहीं लो। चलो चलो चलो, तो क्या है भाई, तो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और
सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए एंजाइम कंट्रोल है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक को हम कहते हैं एपो एंजाइम। तो अगर मान लो एक एंजाइम की बात करें, होलो एंजाइम प्लस को फैक्टर क्या होगा, सॉरी एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर क्या होगा, एक एंजाइम है कॉन्जुगेट एंजाइम कहते हैं इसको, ठीक है, कॉन्जुगेट एंजाइम। ओहो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है वो हम बता देते हैं। देखो कॉन्जुगेट एंजाइम, अरे क्या हो गया, कॉन्जुगेट एंजाइम, ठीक है, इसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। इट इज इक्वल टू प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम, जिसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, प्लस कोफैक्टर। नीट 2017 का क्वेश्चन है, कोफैक्टर नीट 2017 का क्वेश्चन है। को एंजाइम भी आ सकता है, कोफैक्टर भी आ सकता है, ठीक है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, नीट 2017 का क्वेश्चन है। अरे वाह संदीप, चलो गुड 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 गुड, नो आइडिया, मेरे मुझे कोई आइडिया नहीं बच्चों, चलो बहुत अच्छा है। अगर यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है बच्चों, तो यू आर क्वाइट लकी, हम लोग के टाइम पे यार कुछ नहीं होता था, है ना। चलो तो ये तुम्हारा आ गया कॉन्जुगेट, होलो एंजाइम इज एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे 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 आगे, ठीक है, तो अगर नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट अगर बाइंडेड है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। मतलब कि तीन चीज की बात कर रहे हैं, होलो एंजाइम हमने देख लिया, एपो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, एंड कोफैक्टर जो है मेरा ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर जो है मेरा ये नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तीन तरह का कोफैक्टर की हम बात करेंगे, तीन तरह का कोफैक्टर क्या है, पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर तीन तरह का, पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर एपो एंजाइम के साथ कोई चीज टाइटली बाउंड है तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। देखो मेरा जो पोस्ट ग्रेड होता है इसी में था, प्रोस्थेटिक्स वाले काम ही है, ठीक है। तो क्या होता है प्रोस्थेटिक्स, क्या होता है नकली हाथ या पैर लगाते हैं, ठीक है, तो वो प्रोस्थेटिक्स, कुछ सपोर्ट सामान एकदम इंट्वाइंड कर देते हैं, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो एनीथिंग दैट इज टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम है तो ये मेरा प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, जैसे हीमोग्लोबिन का हीम हुआ, जैसे हीमोग्लोबिन का हीम हुआ, ठीक है। अच्छा अगर लूजली बाउंड है, अगर लूजली बाउंड है तो कोएंजाइम और मेटल आयन होगा, मेटल आयन आ गया तुम्हारा जिंक आ जाएगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड, तीनों का एग्जांपल देख लो। तो हीम क्या है, हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप हीमोग्लोबिन में, हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप हीमोग्लोबिन में, ठीक है ठीक है। और अगर हम बात कर लें तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में क्या होगा, पेप्टाइडेज में जिंक आ जाएगा, क्रो कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज में जिंक आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा जिंक इसमें, ठीक है। तो बहुत अच्छी, तो कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, ठीक है अच्छा। बट देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, कुछ देर के लिए रहेगा, हमेशा साथ नहीं रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे 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 इसका एग्जाम्पल है, जैसे कोएंजाइम निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड एनएडीपीएच कंटेन्स वाइटामिन नियासिन, इस पे अगेन क्वेश्चन आया हुआ था, इस पे अगेन क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो क्या है, तो क्या है, क्या है, कोएंजाइम एनएडीएच कंटेन्स वाइटामिन नियासिन, ठीक है। अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड मेटल आयन, बताए थे हम लोग मेटल आयन, जैसे हमको जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए, जिंक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए बाइंड करता है, तो ये आ गया जिंक, ठीक है। तो ये तुम्हारा तीन चीज तुमको याद रखना है, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, ठीक है। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, चल होलो एंजाइम बताए तो बाबू, होलो एंजाइम क्या है,
होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, कोई भी कॉन्जुगेट एंजाइम जिसमें एक प्रोटीन पार्ट है और नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा को फैक्टर, ठीक है। लो तुम्हारा एनसीईआरटी का कर दिया द एंड, ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, खुश हो जाओ। बायोमोलिक्यूल्स जैसा टफ चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सुनो मेरी बात, ठीक है। मुझे यहां पे फॉलो कर लो unacademy.com@anandsir01, पता है तुम लोगों को कहां पे मुझे फॉलो करना है। 8 बजे तुम्हारी रोज रिवीजन क्लास होती है, पता ही है अभी तुम लोगों को कि 8 बजे तुम्हारी रोज स्पेशल रिवीजन क्लास होती है, स्पेशल रिवीजन क्लास तुम्हारी 8 बजे रोज अनअकैडमी ऐप पे होती है, ठीक है। ये फ्री होती है, ये फ्री होती है ना, 45 डेज रिवीजन क्लास फ्री होती है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीट प्लस जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो, नीट प्लस जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो, ये बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और अगला गाइस, गाइस इस वीडियो को खूब सारा शेयर करना, ठीक है, ये कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तुलसी की दास्तां है ना, वो एक सीरियल वाली तुलसी थी, तो तुलसी की दास्तां सब तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो एक बार स्टोरी सुन लेगा कभी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर को नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ऑन दैट नोट आई एम क्लोजिंग द वीडियो, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और कमेंट करते रहो यार, ऐसे इसमें कंजूसी मत किया करो, फिर तुम लोग हल्का छोड़ देते हो। कमेंट्स और लाइक करते रहो, एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।